कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वोटिंग के दौरान पार्टी की ओर से कभी बीजेपी, कभी चुनाव अधिकारी तो कभी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे। कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से एक आरोप ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर लगाया गया, जिस पर चुनाव आयोग का जवाब कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी जानकारी गलत है, सभी ईवीएम नए हैं और इनका उपयोग पहली बार हुआ है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि उनके फोन नंबरों को ट्रैक किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में बजरंग ने कहा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे हमने कोई गुनाह किया है। इसके साथ ही बजरंग ने यह भी कहा कि हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं उनके फोन भी ट्रैक हो रहे हैं। मालूम हो कि गुरुवार को पहलवानों ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ब्लैक डे मनाया और इस दौरान वो सिर और हाथों पर काली पट्टी पहने दिखे। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा 13 मई को सगाई कर रहे हैं। छोटे लेकिन शाही सगाई समारोह का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा भी अपनी कजिन की सगाई में शामिल होने के लिए भारत आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका 13 मई की सुबह दिल्ली पहुंचेंगी। हालांकि प्रियंका काफी शॉर्ट ट्रिप पर भारत आ रही हैं। उन्होंने अपने काम को साइड रखा है और सिर्फ अपनी बहन के लिए भारत आ रही हैं। उनके पति निक जोनस के आने की उम्मीद नहीं है। परिणीति और राघव की सगाई दिल्ली के कनॉट प्लेस में कपूरथला हाउस में होगी। सगाई का कार्यक्रम पारंपरिक तरीके से होगा। रिपोर्ट की माने तो परिणीति और राघव की सगाई में परिवार के लोग और खास दोस्त ही शामिल होंगे। गेस्ट की लिस्ट में मनीष मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का बोर्ड रिजल्ट कुल 87.33% रहा। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। हालांकि रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 5% कम रहा। त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि प्रयागराज जोन ने 78.05% प्रदर्शन किया। 12वीं में छात्राओं का रिजल्ट छात्रों से 6% बेहतर रहा। लड़कियों का रिजल्ट 90.68% है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 84.67%। पिछले साल की बात करें तो CBSE बोर्ड ने 91.25% छात्र पास हुए थे। पिछले वर्ष 94% छात्राएं पास हुई थी।